योर एक्सलेंसी प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री होलनेस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज पहली बार जमैका के प्रधानमंत्री की भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं, इसलिए हम इस यात्रा को विशेष महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री होलनेस लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं, मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने उनके विचारों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियन क्षेत्र के साथ हमारे एंगेजमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। फ्रेंड्स, भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। फोर सीस हमारे संबंधों को अंकित करते हैं: कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है। जमैका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। इस दिशा में हमारे सभी प्रयास जमैका के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने जमैका के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योग, बायोफ्यूअल, इनोवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में हम अपना अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा जमैका की सेना की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म हमारी साझा चुनौतियां हैं। हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने पर सहमत हैं। स्पेस सेक्टर में भी हमें अपना सफल अनुभव जमैका के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। भारत और जमैका एक मत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। इन्हें समकालीन रूप देने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जमैका के बीच भले ही विशाल महासागरों की दूरी हो, किंतु हमारे मन, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास
एक दूसरे से जुड़े हैं। लगभग 180 वर्ष पहले भारत से जो लोग जमैका गए थे, उन्होंने हमारे पीपल टू पीपल टाइज की मजबूत नींव रखी थी। आज जमैका को अपना घर मानने वाले लगभग 70,000 भारतीय मूल के लोग हमारी साझा विरासत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी देखरेख के लिए मैं प्रधानमंत्री होलनेस और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार भारत से योग, बॉलीवुड और फोक म्यूजिक को जमैका ने अपनाया गया है, उसी तरह जमैका के रेगे और डांस हॉल भी भारत में पॉपुलर हो रहे हैं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। क्रिकेट प्रेमी देशों के रूप में स्पोर्ट्स हमारे संबंधों में एक बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण कनेक्टिंग लिंक रहा है। कर्टनी वॉल्स की लेजेंडरी फास्ट बॉलिंग हो या क्रिस गेल की धुआंधार बल्लेबाजी, भारत के लोगों में जमैका के क्रिकेटर्स के लिए विशेष लगाव रहा है। हमने स्पोर्ट्स में अपना सहयोग और गहरा करने पर भी विचार विमर्श किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की चर्चाओं से निकले आउटकम्स हमारे संबंधों को उसेन बोल्ट से भी तेज गति देंगे और हम निरंतर नई ऊंचाइयां छूते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका और आपके डेलीजन का भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।